पाठ का शीर्षक है नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वो तो बीच में ही कहीं गिर गया। सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा। ये मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सब ने जमकर ठहाका लगाया। नसीरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना।
अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनि पाठ। विषय संयोजन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर और कीमती आनंद, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।